हेलो एवरीवन वेलकम नाउ वी विल स्टडी द सब्जेक्ट रिसेंट एडवांसेस ऑफ डीआरटी पार्ट सेकंड जैसा कि आपको पहले से पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा था अल्ट्रासोनोग्राफी अल्ट्रासोनोग्राफी के तीन लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं आज हमारा अल्ट्रासोनोग्राफी पे फोर्थ लेक्चर है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको कि अल्ट्रासोनोग्राफी होती क्या है अल्ट्रासोनोग्राफी एक ऐसा डायग्नोस्टिक प्रोसेसर है जिसके अंदर हम अल्ट्रासाउंड वेव्स की सहायता से ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स की पैथोलॉजिकल कंडीशन या फिर कोई भी डिजीज कंडीशन को डायग्नोस करते हैं ठीक है इसके कुछ सब टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था जैसे कि इंट्रोडक्शन बेसिक प्रिंसिपल कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में वेलोसिटी एम्पलीट्यूड एकोस्टिक एम्पिडेंस और जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर अल्ट्रासोनोग्राफ़ी में अल्ट्रासाउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है इसके बारे में भी अच्छे से डिस्कस किया था ठीक है अब हम बात करते हैं कि हमारा अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर प्रेजेंट में कौन सा टॉपिक चल रहा था तो जैसा कि आपको पता है प्रेजेंट में अभी हम ट्रांसड्यूसर के बारे में डिस्कस कर रहे थे ट्रांसड्यूसर का दूसरा नाम है प्रोब ठीक है ट्रांसड्यूसर का वर्किंग क्या होता है किस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है इसका क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इनके बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर रहे थे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ट्रांसड्यूसर होता है क्या है ट्रांसड्यूसर या फिर प्रोब एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है अल्ट्रासाउंड का प्रोडक्शन भी करता है और अल्ट्रासाउंड का डिटेक्शन भी करता है दूसरी बात कि इसका प्रिंसिपल ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है हमने पहले भी पढ़ा था कि इसका प्रिंसिपल है पीजीओ इलेक्ट्रिक इफेक्ट अब अपन बात करते हैं कि पी इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है तो जैसा कि आपको पता है पी इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के अंदर पी इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी होती है वो क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रेशर वेव्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और प्रेशर वेव्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं इसी बेसिस पे पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स अल्ट्रासाउंड का प्रोडक्शन भी करते हैं और डिटेक्शन भी करते हैं और यही पी इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स अपने किस में यूज़ किए जाते हैं ट्रांसड्यूसर के अंदर यूज़ किए जाते हैं जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हम ट्रांसड्यूसर के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे ठीक है कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसड्यूसर के अंदर अपन ने सात कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया था जिसमें से तीन के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था जो क्या थे आपके फर्स्ट था मैचिंग लेयर सेकेंड था आपका पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स थर्ड था बैकिंग ब्लॉक और डैम्पिंग ब्लॉक इन तीनों के बारे में एक बार अपन फिर से छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आगे के जो चार कंपोनेंट है वो अपने को अच्छे से समझ में आ जाए सबसे पहले अपन बात करते हैं मैचिंग लेयर की मैचिंग लेयर इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ट्रांसड्यूसर दैट मीन्स ट्रांसड्यूसर की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है मैचिंग लेयर होती है एक और बात जब डायग्नोसिस करते हो आप किसी भी ह्यूमन बॉडी ऑर्गन का तो उस वक्त उस ह्यूमन बॉडी ऑर्गन के कॉन्टेक्ट में जो ट्रांसड्यूसर का पार्ट आता है वो कौन सा होता है मैचिंग लेयर होता है अब अपन बात करते हैं मैचिंग लेयर के फंक्शन की या फिर मैचिंग लेयर की वर्किंग की मैचिंग लेयर का वर्किंग या फिर फंक्शन की बात की जाए तो इसका मेन फंक्शन होता है अल्ट्रासाउंड वेव की ट्रांसमिशन e एफिशिएंसी को इंक्रीज करना दैट मीन्स अल्ट्रासाउंड वेव की संचारण दक्षता को बढ़ाना अब अपन बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट की जो है पी इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स इसके बारे में हम अच्छे से एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक बार दोबारा यहाँ पे बता देता हूँ पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रेशर वेव्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं और प्रेशर वेव्स को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं जैसा कि आपको पता है कि ट्रांसड्यूसर आपका क्या करता है ट्रांसमिशन भी करता है अल्ट्रासाउंड वेव का और डिटेक्शन भी करता है तो उसमें जो उसका मेन बेसिक प्रिंसिपल है या फिर जो मेन कंपोनेंट है वो कौन सा है यहाँ पे पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स जो ये वर्क करती हैं जो क्या करती है आपके अल्ट्रासाउंड वेव का ट्रांसमिशन भी करते हैं और उसका डिटेक्शन भी करते हैं ठीक है अब अपन बात करते हैं अपने थर्ड कंपोनेंट की बैकिंग ब्लॉक और डैम्पिंग ब्लॉक जैसा कि हमने डायग्राम में भी देखा था बैकिंग ब्लॉक और डैम्पिंग ब्लॉक आपका कहाँ पाया जाता है पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स के लेयर के जस्ट पीछे की साइड इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि बैक साइड में जो भी आपकी अल्ट्रासाउंड वेव्स आ रही हैं उनको अटेनवेट करना ठीक है अब अपन बात करते हैं अपने आगे के नए कंपोनेंट्स के बारे में अपना फोर्थ कंपोनेंट है एकोस्टिक एब्जॉर्बर जैसा कि हमने बैकिंग ब्लॉक और डैम्पिंग ब्लॉक में पढ़ा था वैसा ही कुछ यहां पे होता है बैकिंग ब्लॉक और डैम्पिंग ब्लॉक भी किसका बना होता है अटेनवेटिंग मटेरियल का सेम अपन बात यहाँ पे करें तो आपका जो अकोस्टिक एब्जॉर्बर होता है वो भी किसका बना होता है अटेन मटेरियल का जैसा कि आपको पता है पहले से अटेनशन के अंदर दो चीज़ें आती है एक एब्जॉर्बशन और एक स्केटरिंग फर्स्ट मेन बात आपका जो कंपोनेंट है उसका नाम है अकोस्टिक एब्जॉर्बर यहाँ पे एब्जॉर्बर वर्ड से समझ में आ रहा है कि ये क्या करेगा एब्जॉर्ब करने का काम करेगा ठीक है एकोस्टिक एब्जॉर्बर आल्सो एन अटेन मटेरियल विच एब्जॉर्ब द अनडिज़ायर्ड अल्ट्रासाउंड बीम दैट मीन्स एकोस्टिक एब्जॉर्बर भी एक अटेन मटेरियल है जिसका वर्क क्या होता है अनडिज़ायर्ड अल्ट्रासाउंड बीम को ऐबजॉर्ब करने का यानी कि वो अल्ट्रासाउंड बीम जिसका कोई भी वर्क नहीं है जिसका कोई भी काम नहीं है जिसका कोई भी अप्लीकेशन नहीं है उसको यह क्या कहता है एबजॉर्ब करता है इट आल्सो इनक्रीज द जनरेशन ऑफ एलेक्ट्रिकल पल्स फ्रॉम द पीजियो एलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स बाय द रिफ्लेक्टिंग अल्ट्रासाउंड बीम फ्रॉम पेशेंट दैट मीन्स कि जब आपकी अल्ट्रासाउंड बीम ट्रांसड्यूसर से ट्रांसमिट होकर कहाँ पर जाती है पेशेंट की बॉडी में जाती हैं और पेशेंट की बॉडी से जब वो अल्ट्रासाउंड बीम रिफ्लैक्ट होकर दोबारा कहाँ पर आती है आपकी पीजी इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स के पास आती है तो पीजी इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स क्या करते हैं उन अल्ट्रासाउंड बीम को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं जब उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है तो यहाँ पे आपका एकोस्टिक एब्जॉर्बर क्या करता है कि वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है या फिर पल्स है उनके जनरेशन को इनक्रीज़ करता है ताकि आपकी जो इमेज के लिए जो इन्फॉर्मेशन आपको मिले जो सिग्नल्स आपको मिले उनका एम्प्लीफिकेशन हो सके ठीक है दैट मीन्स अकोस्टिक एब्जॉर्बर है वो सिंपल सा है कि ये एक अटोनवेटिक मेटीरियल है ये अनडिज़ायर्ड अल्ट्रासाउंड बीम को एब्जॉर्ब करता है और जो आपकी रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड बीम आती है पेशेंट से जब वो इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट होती है तो उनक्ट्रिकल पल्स और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जनरेशन को ये क्या करता है इनक्रीज करने का काम करता है ठीक है अब अपन बात करते हैं अपने ट्रांसजूसर के फिफ्थ कम्पोनेंट की ठीक है द फिफ्थ कंपोनेंट ऑफ ट्रांसड्यूसर इज इलेक्ट्रोड्स अब जैसा कि आपको पता है कि ट्रांसड्यूसर के अंदर आपकी क्या है पी इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स की लेयर है अब वो वो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स की लेयर क्या कर रही है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रेशर वेव्स में कन्वर्ट कर रही है और प्रेशर वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करिए तो वहाँ तक सिग्नल पहुँचाने के लिए भी तो कोई कंपोनेंट होना चाहिए वो कंपोनेंट आपका कौन सा होता है इलेक्ट्रोड्स होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स का अपन मेन फंक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रोड्स का मेन फंक्शन क्या होगा की ट्रांसमिशन के वक्त पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स के पास में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पहुंचाना और डिटेक्शन के वक्त उनमें से दोबारा से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करना ये वर्किंग किसकी होती है अपनी मेनली इलेक्ट्रोड्स की होती है ठीक है द सर्फेस ऑफ पीजीओ इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स इज़ कनेक्टेड टू द टू अपोजिट इलेक्ट्रोड्स विच आर मेड अप ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर दैट मीन्स जियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स की सरफेस दो इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होती है ऑपोजिट की बात की जाए तो यहाँ पे उनका चार्ज क्या होगा ऑपोजिट होगा ठीक है विच आर मेड अप ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और वो दोनों इलेक्ट्रोड्स किसकी बनी होती है गोल्ड और सिल्वर की जैसे कि आपको पता है गोल्ड और सिल्वर एक ऐसे एलिमेंट है जिनका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे अपन गोल्ड एंड सिल्वर इसलिए यूज करते हैं ताकि आपके सिग्नल्स का लॉस कम से कम हो ठीक है द डिजिटल आउटर इलेक्ट्रोड वर्क एज ग्राउंडेड इलेक्ट्रोड टू प्रिवेंट एनी इलेक्ट्रिक शौक टू देशेंट दैट मीन्स कि जो आउटर इलेक्ट्रोड होती है वह आपकी क्या होती है ग्राउंडेड होती है अर्थड होती है इसका मतलब इसका मेन फंक्शन क्या होगा कि पेशेंट को इलेक्ट्रिक शौक से बचाना ठीक है जैसे कि आप डाइग्राम में भी देख सकते हो यहाँ पे आपकी दो इलेक्ट्रोड्स है एक इनर वन एक और आउटर वन जो आउटर इलेक्ट्रोड्स है वो आपकी क्या कर रही है ट्रांसड्यूसर की हाउसिंग से भी कनेक्टेड है दैट मीन्स ये क्या करेगी पेशेंट को और जो आपका रेडियोग्राफिक प्रोफेशनल जो वर्कर है उन दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है ठीक है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ अल्ट्रासाउंड दीज इलेक्ट्रोड्स प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स दैट मीन्स कि ट्रांसमिशन के वक्त जब आपका पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स अल्ट्रासाउंड वेव का ट्रांसमिशन करते हैं या फिर प्रोडक्शन करते हैं उस वक्त ये इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोवाइड करती हैं किसको पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स की लेयर को ठीक है एंड ड्यूरिंग द डिटेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड बीम इट कलेक्ट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स एंड सेंड इट टू द कंप्यूटर और जब आपकी यानी कि पेशेंट से अल्ट्रासाउंड बीम रिफ्लेक्टेड होकर वापस आती है और पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स उनको डिटेक्ट करके उन साउंड वेव्स को किस में कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं तो फिर यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं ये उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल से रिसीव करते हैं और उनको कहाँ तक लेके जाते हैं कंप्यूटर तक लेके जाते हैं तो मतलब आपका मेनली यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स का क्या फंक्शन है ट्रांसमिशन के वक्त पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड कराना और डिटेक्शन के वक्त उनसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव करके कंप्यूटर तक पहुंचाना ठीक है और ऑब्वियस ही बात है कि आपकी जो इलेक्ट्रोड्स है वो कंप्यूटर तक सिग्नल किसके थ्रू पहुंचेंगी एक और यहाँ पे कंपोनेंट आता है जिसका अपन आगे डिस्कस करेंगे उसका नाम है को केबल यानी एक केबल के जरिए ये क्या करती हैं कंप्यूटर से सिग्नल्स को पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स तक पहुंचाती हैं और पीजीआई इलेक्ट्रिक क्रिस्टल से वापिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कंप्यूटर तक पहुंचाती हैं ठीक है नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सिक्स कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसड्यूसर और प्रोब विच इज नॉन एज ट्रांसड्यूसर हाउसिंग हाउसिंग के बारे में आप अच्छे से जानते हो आपने स्टार्टिंग के अंदर भी एक्सरे ट्यूब की हाउसिंग के बारे में अच्छे से पढ़ा था तो मेनली यहाँ पे भी क्या है हाउसिंग का फंक्शन और वर्किंग कंस्ट्रक्शन ज़्यादा खास डिफरेंट नहीं होता है इसके अंदर एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसे हम मेनली किसी भी कंपोनेंट की जो हाउसिंग होती है उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको फिजिकल डैमेज से बचाना उनको प्रोटेक्ट करके रखने का काम किसका होता है उस कंपोनेंट की हाउसिंग का होता है सेम यहाँ पे होगा यहाँ पे आपके ट्रांसड्यूसर की हाउसिंग क्या करेगी आपके जो अंदर के जो ट्रांसड्यूसर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको क्या करती है वो प्रोटेक्ट करती है ठीक है ट्रांसड्यूसर हाउसिंग आर एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसड्यूसर विच मेक्स आउटर कवरिंग ऑफ द ट्रांसड्यूसर एंड प्रोटेक्ट द इनर कंपोनेंट्स दैट मीन्स कि आपकी जो ट्रांसड्यूसर हाउसिंग है वो कौन सा कंपोनेंट आपका एक्सटर्नल कंपोनेंट है ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी कंपोनेंट की जो हाउसिंग होगी वो कौन सी होगी एक्सटर्नल कंपोनेंट ही होगी विच मेक्स आउटर कवरिंग जो क्या करते हैं आउटर कवरिंग का निर्माण करते हैं एंड प्रोटेक्ट द इनर कंपोनेंट्स और जो ट्रांसड्यूसर के जो इनर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको ये प्रोटेक्ट करती है इट इज़ यूजली मेड अप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक शॉक टू द रेडियोग्राफिक प्रोफेशनल दैट मीन्स कि आपके जो ट्रांसड्यूसर की हाउसिंग है उसके अंदर कौन सा मटेरियल काम में लिया जाता है इंसुलेटिंग मटेरियल इंसुलेटिंग मटेरियल से हम क्या समझते हैं ऐसा मटेरियल जो किसी भी सिग्नल्स का कंडक्शन ना कर सके ठीक है यहाँ पे अपन ने इंसुलेटिंग मटेरियल क्यों काम में लिया क्योंकि डायग्नोसिस के वक्त आपका जो ट्रांसड्यूसर होता है वो किसके हैंड में होता है किसके हैंड में होता है रेडियोग्राफिक प्रोफेशनल के हैंड में होता है या फिर अपन बात करें कि उसके डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होता है तो यहाँ पर इंसुलेटिंग मटेरियल होना इसलिए जरूरी है ताकि कोई भी प्रकार का इलेक्ट्रिक शॉक रेडियोग्राफिक प्रोफेशनल दैट मीन्स जो वर्कर है वहाँ पे उस वर्कर को ना लग सके ठीक है तो अब ऑब्वियस सी बात है कि वर्कर को इलेक्ट्रिक शॉक से प्रिवेंट करना और जो इनर कंपोनेंट्स से ट्रांसड्यूसर के उनको फिजिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करना ये दोनों वर्क आपके किसके होते हैं ट्रांसड्यूसर हाउसिंग के होते हैं नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेवेंथ एंड लास्ट कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसड्यूसर विच इज नॉन एज को एक्जियल केबल को एक्जियल केबल का आधा फंक्शन तो अपने को इसके नाम से ही समझ में आ रहा है ये क्या काम करता है ट्रांसड्यूसर को आपका जो अल्ट्रासोनोग्राफी की जो मशीन है पूरी या फिर जो भी कंप्यूटर है उससे ये उसको कनेक्ट करता है ठीक है तो अपन बात करें को एक्सियल केबल की इट इज़ अ केबल विच कनेक्ट द ट्रांसड्यूसर टू द कंप्यूटर एंड अल्ट्रासाउंड मशीन दैट मीन्स ये एक ऐसी केबल है जो अल्ट्रासाउंड मशीन या फिर कंप्यूटर इससे आपके ट्रांसड्यूसर को कनेक्ट करती है ठीक है इट डज द बोथ फंक्शन एज इन अप्लाइज इलेक्ट्रिक करंट टू द ट्रांसड्यूसर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड एंड कलेक्ट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेटेड बाय द ट्रांसजूसर एंड सेंड इट टू द कंप्यूटर फॉर डिटेक्शन दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि को एक्ज केबल आपके दो वर्क करती है अब दो वर्क क्या होंगे मैंने पहले भी आप सबको बताया कि यहाँ पे जो आपका पी इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं वो भी दो फंक्शन करते हैं और आपका जो ट्रांसड्यूसर होता है वो भी दो फंक्शन करता है ठीक है ट्रांसमिशन ऑफ अल्ट्रासाउंड एंड डिटेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड अब आपका जो को केबल होती है उसका मेन फंक्शन क्या है कि कंप्यूटर से ट्रांसड्यूसर तक सिग्नल्स को पहुंचाना और ट्रांसड्यूसर से दोबारा फिर कंप्यूटर तक सिग्नल पहुंचाना तो मेनली यहाँ पे को एक्जेल केबल के भी दो फंक्शन हुए फर्स्ट ट्रांसमिशन ऑफ अल्ट्रासाउंड के वक्त ये क्या करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कंप्यूटर से कहाँ तक पहुँचाता है ट्रांसड्यूसर तक पहुँचाता है और सेकेंड जो आपकी रिफ्लेक्टेड बीम हुई जिसको पी इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स ने डिटेक्ट करके जो आपको सिग्नल्स दिए हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जिनको इलेक्ट्रोड्स ने रिसीव किया है उन सिग्नल्स को वापस कहाँ तक पहुंचाना कंप्यूटर तक पहुंचाना ताकि कंप्यूटर उन सिग्नल्स के अकॉर्डिंग बॉडी ऑर्गन की इमेज अपने को दे सके डिजीज को डायग्नोस कर सके या फिर कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन को डायग्नोस कर सके ठीक है दैट मीन्स को एक्जेल केबल कंप्यूटर और ट्रांसड्यूसर के बीच में कनेक्शन बनाने का काम करती है ठीक है जितने भी सिग्नल्स हैं जिनको कंप्यूटर से कहाँ तक पहुँचाना है ट्रांसड्यूसर तक पहुँचाना है वो सारी वर्किंग कौन करेगी को एक्सल केबल करेगी और फिर जो भी आपके सिग्नल्स डिटेक्ट किए हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल ने उनको वो कहाँ तक तो पहुँचाती है कंप्यूटर तक तो पहुँचाती है और फिर कंप्यूटर उनके अकॉर्डिंग इमेज प्रोवाइड करता है अपने को ठीक है तो अब यहाँ पे अपना ट्रांसड्यूसर या फिर प्रोब जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है इनके सारे कंपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ लिया ठीक है एक एक कंपोनेंट को अपन ने डिटेल के अंदर डिस्कस किया नेक्स्ट अपना जो नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक होगा वो क्या होगा टाइप्स ऑफ द ट्रांसड्यूसर जैसा कि पहले भी आपने ट्रांसड्यूसर के अंदर इमेजेस के अंदर देखा था अलग अलग टाइप के आपको ट्रांसड्यूसर देखने को मिले थे वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि ट्रांसड्यूसर के टाइप्स किसके अकॉर्डिंग होते हैं इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग या फिर बॉडी ऑर्गन के डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग उन्हीं सब के बारे में यानी उनके टाइप्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे ठीक है थैंक यू